खंडवा जिले के मानदाता विधायक क्षेत्र में भाजपा से नारायण पटेल के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद अपनी प्रत्याशी को विजय श्री दिलाने के लिए भाजपा पूरे जमखम में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। मानदाता में भाजपा द्वारा प्रचार का सिलसिला जारी है। बूंदी से शाहरुख खान की रिपोर्ट। सब माताएं बहने आई, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। हमारे इस बैठक में पधारे, बहनों की बैठक में पधारे हमारे भाई, हमारे मंडल अध्यक्ष यादव जी, हमारे भी हमारी बहन अनिता श्रीवास्तव जी, इंदु दुबे जी हमारी पार्षद बहन है, हमारी मधु भाभी, हमारे नारायण भाई के यहाँ से भाभी, आप सभी आए हैं, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहनों आपको पता है ये चुनाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको वो पुराना समय याद है जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 10 साल विधायक रहे थे स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह तोमर जी। दादा थे कि नहीं थे? दादा ने कितनों काम करा रहे अपने लिए, कितनों काम करा रहे हो कि अपना मुंदी चमक हो गए। तुम्हारी मानदाता विधानसभा पूरा मध्य प्रदेश में एक नंबर पे थी विकास का मामला में, पर असोपाई हुई हो कि 18 महीना से कई कामज नहीं हुई हो। इसलिए हमारा नारायण भाई, जिनका मन में भी दादा लोकेन्द्र सिंह की जैसी पीड़ा थी कि हमारी लोकना की सेवा करूं, लोगों की जनता की सेवा करूं, किस तरह तुम्हारे काम करूं, किस तरह क्षेत्र का उत्थान करूं, जब वो कांग्रेस में थे उन्हें ये चीज नहीं महसूस हुई, उनके क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हुआ और उनका लक्ष्य जनता की सेवा था। इसलिए भाई नारायण पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, क्योंकि उनके मन में आप लोगों की सेवा करने का एक उत्साह था, एक उमंग थी और एक इच्छा लेके वो आए थे। और आप लोग हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।